फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक कॉकरोच बनाने का आइडिया। मतलब हर किसी के घर में कॉकरोच तो थोड़े बहुत रहते ही हैं, तो थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कैसे भगाएं। हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है कॉकरोच इधर उधर चलता रहे। तो कॉकरोच क्लीन हाउस कैसे रखें, ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आपके घर में कॉकरोच नहीं आए। एक तो सबसे पहली बात है कि आप घर को अच्छे से क्लीन कीजिए, क्योंकि गंदगी में ही कॉकरोच आती है। तो सबसे पहली बात है कि आप घर को हमेशा क्लीन रखिए, आपके घर में कॉकरोच ऐसे ही कम हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जब भी आप खाना बनाएं, जैसे रोटियां बनाते हैं हम लोग, तो किचन प्लेटफॉर्म को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि लंच या डिनर करने के बाद क्लीन करेंगे। लेकिन जब तक आप लंच या डिनर करते हैं, उनका भी लंच और डिनर हो जाता है। तो जैसे ही खाना बना लें, वैसे ही किचन क्लीन कर लें। दो टाइम किचन क्लीन करें, एक तो जब आप लंच प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, तो उन लोगों को आने का मौका मिल जाता है। तो जैसे ही लंच प्रिपेयर हो जाए, आप किचन अच्छे से क्लीन कर लें। उसके बाद जैसे डिनर आपका बन जाए, वैसे ही आप अपना किचन क्लीन कर लें। और जब भी अगर आपको लगता है कि हाँ फिर भी कॉकरोच कम नहीं हो रहे हैं, तो आप थोड़ा जो भी कॉकरोच स्प्रे रहता है उससे थोड़ी बहुत जो कॉकरोच नज़र आते हैं उनको मार दीजिए। और तीसरी बात है कि आपने नेफ्थलीन बॉल हर कबर्ड में, किचन के कबर्ड में या फिर अपने घर के हर एरिया में रखें। इसकी स्मेल से कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और ये मैं हमेशा ही रखती हूँ अपने पास एक्स्ट्रा, मेरे घर में सारे चारों तरफ इसे मैंने डाला हुआ है। हाँ, इसे बच्चों के पहुँच से दूर रखें ताकि बच्चे इसे ले नहीं लें। ये हेल्दी तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बच्चे लेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो अगर आप ये नेफ्थलीन बॉल यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो इसे स्मेल भी अच्छी आती है और कॉकरोच भी नहीं आते हैं। लेकिन आप चेक करते रहें, ये एक महीने में ख़त्म भी हो जाती है और कॉकरोच फिर से आ जाते हैं। तो आपको हर समय चेक करते रहना है कि वो नेफ्थलीन बॉल है या नहीं है, क्योंकि अगर उसकी स्मेल नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली कॉकरोच आ जाएंगे आपके घर में। बहुत सारी और भी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा स्प्रे करने से वो कॉकरोच नहीं आएंगे, उनका पेट उसे फूल जाएगा। ये सब चीज़ें भी बहुत थोड़ी ही काम करती है। अगर बहुत ज़्यादा कॉकरोच है आपके घर में, तो आपको एटलीस्ट 3 वीक टाइम लगेगा आपको कॉकरोच भगाने में, चाहे आप जो भी प्रोसीजर अपनाएं। तो ये वाला प्रोसीजर अपना कर देखिए, आई थिंक आपको हेल्प मिलेगा। मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर कभी भी मैं जब बाहर चली जाती हूँ एक महीने के लिए, जैसे अपने मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, तो उतना हो नहीं पाता है, तो किचन में थोड़े बहुत कॉकरोच तो आ ही जाते हैं। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ अपने किचन को नीट एंड क्लीन एंड कॉकरोच फ्री रखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।